और आज हमारे बीच में प्रश्न भोजन होगा, सभी को ये संदेश दिया गया था। जन्मदिन तो बहुत ही खुशी वाला दिन होता है, क्योंकि उस दिन वो दिन होता है जब हमें संसार में हमारा जन्म होता है। And taking of bread is a happy occasion because we're born into the kingdom of God. और पवित्र भोजन में भाग लेना भी एक बहुत ही आनंदित दिन है, क्योंकि उस दिन हम परमेश्वर के राज में हमारा जन्म होता है। Remember the first day when we were born again. हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ था। And the Lord touched our lives. और जिस दिन प्रभु ने हमारे जीवन को छुआ। And gave us a new life. और हमें एक नया जीवन दिया। And we were brought into the kingdom of God. और फिर हम परमेश्वर के राज में लाए गए। That's why the Bible says, whenever you break bread and drink of the cup, the cup is a cup of blessing. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जिस दिन जब कभी भी तुम पवित्र भोज में भाग लेते हो, ये तुम्हारे लिए एक आशीष का दिन है। And when we think more about the Lord, the more happy we become. और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक खुश हो जाते हैं। And we become happy to follow the Lord. और फिर प्रभु का पीछा करने में भी हम खुश हो जाते हैं। And obey all that He has told us to. और जो कुछ भी आदेश और आज्ञा उसे दिया है, उसे करने में भी हम आनंद लेते हैं। The word of God will not become a burden to us. और परमेश्वर का वचन कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं होता। But for our own good. लेकिन वो हमारे भलाई के लिए है। That we can grow up and become like Jesus. ताकि हम उसमें बढ़कर यीशु मसीह के समान बन जाए। So we will start sharing the word of God. इसलिए अब हम परमेश्वर के वचन से शेयर करेंगे। और ब्रदर के बाद ब्रदर रत्न स्वामी, ब्रदर वर्ता और ब्रदर कैदियन और ब्रदर विजय शेयर करेंगे। और परमेश्वर के वचन में से हमें प्रोत्साहन देने वाले वचन को हम देखेंगे। और मैं फिलिपियों की किताब उसके तीसरे अध्याय में देख रहा था। And may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. And I will know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, in order that I may attain the resurrection from the dead. May I participate? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और जो मैं पाया जाऊँ, ना तो अपनी सब उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। Yes. The Apostle Paul here gives his testimony. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी गवाही देता है। Says whatever things were gained to me, that I have counted as loss for the sake of Christ. और वो कहता है कि जो जो बातें उसके लिए लाभ की थी, उन बातों को उसने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। What are the things that are gained to us? और क्या बातें हैं जिससे हमें लाभ होती है? Something that we gain in this world. और इस संसार में जो हमें लाभदायक होती है, वो कौन सी बातें हैं? What are the things that we gain? That is our riches. वो हमारे धन संपत्ति। High position. और ऊंचे पद। And many of the good things of this world. और इस संसार में मिलने वाले बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें। But he said, for all these gains, all these things, I count. Counted as loss for the sake of Christ. लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि ये सारी बातें जो संसार में लाभदायक हैं, उन सारी बातों को मसीह के लिए उसने अपने आप के लिए हानि समझा है। Why did the Apostle Paul say that? लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों कहा है? Jesus said, "What shall a man profit?"
और यीशु ने कहा कि एक मनुष्य को किस बात से लाभ हो सकती है? He gains the whole world. और यदि एक मनुष्य ने सारे संसार को जीत लिया हो, and loses his own soul. लेकिन अपने प्राण को यदि वो गवा देता है, He can be, he said you can gain the whole world. तो यीशु ने कहा कि हो सकता है तुम सारे संसार को भी जीत लो. You may be the richest man in this world. You may be the most famous person. You may be the most talented person. You may be the best sportsman. And you lose your own soul. It's a big loss. और हो सकता है कि संसार में तुम बहुत ही धनवान व्यक्ति होगा, तुम्हारा बहुत नाम मशहूर होगा, लेकिन इन सारे बातों को रखते हुए यदि तुम्हारे प्राण को गवा देते हो, तो ये बिल्कुल एक बड़ा लॉस है. The Apostle Paul came to an understanding of that. और इस बात को पेरेंट पॉलिस ने समझ लिया. And the more the things that we gain in this world, the less we become in the sight of Christ. और इस संसार के बातों को जितना अधिक हम लाभ में ले लेते हैं, उतना ही परमेश्वर की नजरों में हम नीचे हो जाते हैं. But when we count these things as loss for the sake of Christ, then we gain Christ. लेकिन जब हम इन बातों को मसीह के कारण हम ठुकराते हैं, तब परमेश्वर की नजर में हमें भी वो count करता है. Again he says, I have count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. और फिर वो कहता है कि अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण इन सारी बातों को मैं हानि समझता हूँ. See, when you want to know Jesus Christ closely in our life. Oh, yes. If we have to say yes, yes, Lord, Your will. The other things are lost to me. और यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर यीशु से आपके जीवन में बहुत ही करीबी से कार्य करे, तो आपको कहना है कि बाकी की जो बातें हैं, वो मेरे लिए दूसरा स्थान रखता है। I want Jesus always, Jesus and His life and His character that me, I am in me, rather than anything else in this world. और सदैव मुझे सिर्फ यीशु मसीह और उसका स्वभाव और उसका जीवन ही मैं चाहता हूँ। And further down it says, I count all these things as rubbish in order to gain Christ. और फिर आगे और पढ़ने में वो कहता है कि इन सारी बातों को मैं मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए इन सारे बातों को कूड़ा समझता हूँ. What does it mean to gain Christ? और यीशु मसीह को पाना इसका मतलब क्या है? What does it mean gain Christ? और यीशु को पाना इसका मतलब क्या है? Not only gain Christ means what? Gain Christ means what? और यीशु मसीह को पाना इसका मतलब क्या है? What does it mean gaining Christ? और प्रेरित पौलुस ने जब कहा कि यीशु मसीह को पा लेना है, इसका मतलब क्या है? Giving the life of Christ. और उसका मतलब ये है कि यीशु के जीवन को अपने जीवन में अपनाना. If you want to live like Jesus, then you have to count all things as rubbish. और यदि आप यीशु मसीह के समान जीना चाहते हैं, तो बाकी सारे बातों को आपको कूड़े का दर्जा देना होगा. Jesus said that my kingdom was of this world, my disciples would be fighting and quarreling. और यीशु ने कहा कि यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे चेले जो है आपस में लड़ते होते. But my disciples, my kingdom was not of this world. लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है. People in this world fight and quarrel for all the earthly things. और इस संसार के लोग जो है एक दूसरे से सारी सांसारिक बातों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं. For food, for clothes, for position, so many things. और खाने के लिए, कपड़ों के लिए और पद के लिए, सारे बातों के लिए वो लड़ते रहते हैं. Lord Jesus Christ is not interested in any of these things. लेकिन यीशु मसीह को इस संसार के किसी भी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. He wanted things that have eternal value. और वो उन्हीं चीजों को वो चाहता था जो नित्यता का उसमें मूल्य था. So we know that all the people who have all these things, they are still not happy. क्योंकि वो जानता था कि कई सारे लोगों के पास ये सारी बातें होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है. They all depressed, gloomy and sad. वो हमेशा व्याकुल रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं. And when we as believers also learn up these things, we also become gloomy and sad in our own spirit. और हम विश्वासी होने के बावजूद जब इन सारी बातों के पीछे जाते हैं, तब हम भी हमारे जीवन हमेशा दुखी हो जाते हैं. The most important thing to gain in this life is the life of Jesus Christ. और इस जीवन में सबसे मुख्य बात यह है कि यीशु मसीह के जीवन को हम अपना लें. The character of Jesus Christ. और यीशु मसीह के स्वभाव को हम अपना लें. That is an unshakable life. और वैसा वो जो जीवन है, वो बिल्कुल एक स्थिर जीवन है. And that life nobody can take away from us. और वो जीवन हमसे कोई भी नहीं ले सकता. In the book of Acts chapter 20. और प्रेरितों की किताब में उसके 20वें अध्याय. Verse 24. का 20 का 24. It says, I do not consider my life on any account as dear to myself, in order that I may finish my course and the ministry which I have received from the Lord Jesus Christ, Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. प्रेरितों के काम 20 का 24. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकार को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है. The Apostle Paul said, I do not consider my life as any account as dear to myself. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे प्राण को कुछ भी नहीं समझता और जो सारी बातों को प्रिय जानूं, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है. So that he can finish his course.
ताकि मैं उस दौर को पूरा करूं and also the ministry or the service that God had kept for him और उस सेवकाई को भी जो परमेश्वर ने उसे दी थी to testify solemnly of God's great grace और ऐसे करने से वो परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के बारे में गवाही देता है the opposite of that if we consider our life very dear to us और इसके विलोम में यदि हम हमारे जीवन को अपने आप के लिए बहुत ही प्रिय जानते हैं all our things our money and our job So many of our relatives and our children, all very, very dear to us. और हमारे सारे जो चीजें हैं, धन संपत्ति है, हमारा जो नौकरी है, और हमारे रिश्तेदार, बहुत सारी बातें ऐसे जो हमारे लिए बहुत प्रिय जानते हैं। Then I will not finish my course. ऐसे करने से हमारी जो दौड़ है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। And I will not get a good ministry. और ऐसा करने से हमें एक सेवकाई भी नहीं मिलेगी। And I will not feel like telling anything or others about the grace of God. और फिर ऐसे में हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में दूसरों के साथ भी हम शेयर नहीं कर पाएंगे। The more I hate this world, the more I love the Lord. और जितना अधिक मैं संसार को द्वेष करूं, नफरत करूं, उतना ही मैं परमेश्वर से प्रेम भी करता हूं. The more I love Jesus, the less I will love the things of this world. और जितना अधिक मैं यीशु से प्रेम करूंगा, उतना ही मैं अधिक इस संसार से द्वेष करूंगा. We sing the song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Look full in His wonderful face. और हम उस गीत को गाते हैं कि तुम्हारी नजरों को तुम पूरी तरह से यीशु में से भी टिकाओ और उसके चेहरे पर ध्यान दो. And the things of this world become strangely dim. और ऐसे करने से संसार की बातें जो है हमारे सामने ओझल हो जाती है. See when we go walk with the Lord more, things that used to attract us 5 years back, 10 years back become less and less. और यदि हम परमेश्वर के साथ साथ उसके करीब हम चलते हैं, तो जो 5 साल पहले, 10 साल पहले जो सारी बातों में आकर्षित करती थी, वो सारी बातें हमारे लिए अब कम मायने रखते हैं। और फिर हमारे रिश्तेदारों को और हमारे मित्रों के साथ जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, चीजें हैं उनके पास, उसको देखकर हम जलन नहीं रखेंगे। और हम खुश रहेंगे इस बात के लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। कि परमेश्वर मेरा भाग है। और बाकी के बातों का जो मूल्य है उसके सामने बहुत ही कम थे। That's why we always keep the Lord as dear to ourselves. और इसलिए जरूरी है कि हमेशा परमेश्वर को हमारे बहुत ही प्रिय जाने। We don't keep our lives so dear to us. और हमारे खुद के जीवन को हमारे लिए हम प्रिय नहीं जाने। So that I can gain the life of Jesus Christ. और ऐसा करने से हम यीशु मसीह के उस जीवन को हम पा सकते हैं। And then further on we go to Philippians chapter 3. और फिलिपियों की तीसरी अध्याय में और नीचे पढ़ने से Verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. और फिलिपियों 3:10 और मैं उसको और उसके मृत्युंजय या पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का शक्ति को जानूं। The Lord, the Apostle Paul, wanted to know Jesus more intimately. और प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह को बहुत ही करीबी रीति से जानना चाहता था। To know the Lord Jesus and to have fellowship, friendship with Him and fellowship with Him is a continuous process. और यीशु मसीह को बहुत ही करीबी रीति से जानना, उसके साथ लगातार संगति में रहना ये एक बहुत ही लगातार होने वाली बात है। It's like a relationship. और वे एक रिश्ते के समान है। Like a marriage relationship. एक शादी के रिश्ते के समान है। After 1 year, the husband and wife know each other quite well. और एक साल के शादी के एक साल के बाद पति और पत्नी अपने एक दूसरे को पहचानते हैं। After walking with 20 years, they won't know them much each other much better. और उसी शादी में 20 साल के बाद फिर वो एक दूसरे को और अधिक जानने लगते हैं। If faithfulness is there, the fellowship is much better. और उनका जो विश्वास योग्यता है, तो वहाँ पे संगति भी और बेहतर हो जाती है। So the Lord wants, the Apostle Paul wanted to know Jesus much more closely. और यहाँ पे देखते कि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह को और करीबी रीति से जानना चाहता था। He said, I want to know him and the power of his resurrection. और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ और इसके पुनरुत्थान के सामर्थ को भी जानना चाहता हूँ। What is the meaning of power of his resurrection? और पुनरुत्थान की उस सामर्थ का मतलब क्या है? What is it? क्या है? It is the life of Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह का जीवन। Is it this will live like Jesus lived? और जरूरी है कि हम यीशु जिस तरह जिया उसी तरह हमें हमारे जीवन को व्यतीत करें। In every situation he could live as Jesus lived. और हर एक हालात में वो यीशु के समान वो भी जिया। He could talk as Jesus talked. और जिस समान यीशु मसीह बोलते थे उसी समान वो भी बोलता था। He could pray as Jesus prayed.
prayed. और जिस समान यीशु प्रार्थना करते थे उसी समान वो भी प्रार्थना करता था. And he was a blessing wherever he went. और जहाँ कहीं पर भी वो जाता था वो आशीष का कारण बनता था. While Jesus said that the Spirit of the Lord is upon me. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है. He has anointed me. उसने मुझे अभिषेक किया है. To break the burdens. ताकि सारे जो बोझ में दबे हुए To set the captives free. और बंधुआई के लोगों को छुड़ाने के लिए. And to proclaim the favorable year of the Lord. और परमेश्वर के उस साल को घोषणा करने के लिए. The Holy Spirit anoints us. So that we may set other people also free. और पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देता है ताकि हम दूसरे लोग जो बंधुआई में हैं उन्हें भी हम छुड़ा सकते हैं. And that's why we have, God gives us the taste of this resurrection power when we get born again. और इसीलिए जब हम नया जन्म होता है हमारा तब परमेश्वर इस पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य को वो हमें चखने देता है. The Bible says we become a new creation. और पवित्र शास्त्र कहता है कि हम नया मनुष्य बन जाते हैं. Become new people. और हम नए लोग बन जाते हैं. New friends. नए मित्र. New relatives. नए रिश्तेदार. New attitude to money. और पैसों के प्रति नया एक मनोवृत्ति. New attitude to clothes. और कपड़ों के प्रति एक नया मनोवृत्ति. New attitude towards how we look like. और हम जिस तरह से हम किस तरह से दिखते हैं उसके प्रति एक नया मनोवृत्ति. And this attitude keeps on changing and we get the more the mind of Christ. और जितना अधिक यीशु मसीह का उस मंशा हम धारण करते हैं ये मनोवृत्ति वैसा ही बदलते जाता है. We become a blessing. और हम फिर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं. And sing the song from earthly things to the heavenly. और फिर हम जब वो गीत गाते हैं कि सांसारिक बातों से स्वर्गीय बातों की ओर. And says that is the power of God's resurrection. और फिर यहाँ पे लिखा कि यही है वो जो परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ को दिखाता है. That is the work of God that God does in each one of our own life. और ये परमेश्वर का काम है जो वो हमारे हर एक व्यक्ति में वो करता है. He says I may know the power of his resurrection. Power of his resurrection. फिर वो कहता है कि उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य में जाऊं. And the fellowship of his sufferings. और फिर उसके साथ दुखों में सहभागी होने का जो बात है. Be conformed to his death. और ऐसे करने से उसके साथ मृत्यु में समानता पाऊं. See the thing is that if I don't have fellowship with the sufferings. और ये बात ये कि यदि मैं परमेश्वर के दिए हुए दुखों में यदि सहभागिता नहीं रखता हूं. What is the meaning of fellowship with the suffering of God? परमेश्वर के दिए हुए दुखों के साथ सहभागिता रखने का मतलब क्या है? Jesus Christ when he came to this world. यीशु मसीह जब इस संसार में आए. He came not to do his will but the will of God. वो अपनी खुद की मर्जी नहीं करने आए लेकिन परमेश्वर की मर्जी करने आया. In our lives also, we can either do our will or do God's will. और हमारे खुद के जीवन में भी यदि हम अपनी खुद की मर्जी कर सकते हैं या परमेश्वर की मर्जी कर सकते हैं. Whenever we don't want to do our will, there is always suffering. लेकिन जब कभी भी हम अपनी खुद की मर्जी को नहीं करना चाहते वहाँ पर हमारे दुख होता है. And then when we always do God's will, we have fellowship in the sufferings of Jesus Christ. और फिर जब हमेशा जब हम परमेश्वर की मर्जी को करते हैं वहाँ पर यीशु मसीह के दुख के सहभागी हो जाते हैं. And then we suffer with the Lord Jesus Christ in different areas of our life. और फिर हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में यीशु मसीह के दिव्य दुख के साथ जब हम उसका क्लेश उठाते हैं. In our home, in our workplace, church, and all these different areas. हमारे घरों में हमारे काम की जगह पर हमारे उस कलीसिया में. Then we get the life of Jesus Christ. और फिर ऐसे उस दुख को उठाते हैं उसके साथ सहभागिता रखने से यीशु मसीह के जीवन को हम अपनाते हैं. Without suffering, without death, there is no life of Christ. और उस दुख के बिना और उस मृत्यु के बिना यीशु मसीह का कोई जीवन हो ही नहीं सकता. In 2 Corinthians. दूसरी कुरिन्थियों. Chapter 3. Chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों का चौथा अध्याय. Verse 16. दूसरा कुरिन्थी 4 का 16. 16-17. 16 और 17. Therefore we do not lose heart, though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16. इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य फिर दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. The Apostle Paul says that there are two men. One is the outer man. और प्रेरित पौलुस कहता है कि वहाँ पे दो मनुष्यत्व हैं, एक जो बाहरी मनुष्यत्व है और दूसरा जो भीतरी मनुष्यत्व है. As we come closer to the Lord, outer man perishes. और जैसे हम परमेश्वर के और करीब आते जाते हैं जो बाहरी मनुष्यत्व है वो नाश होने लगता है. We get more concerned about the things which God is concerned about. और फिर ऐसे करने से परमेश्वर जिन जिन बातों का ख्याल रखता है उन बातों का हम भी ख्याल रखने लगने शुरू करते हैं. When we are in this world, we are so concerned about all the outer things. और जब इस संसार में हैं सांसारिक होते हैं तब इन संसार की बातों को लेकर हमें फिक्र होती है. And then when we come closer to the Lord says, I see more. I look at the heart, not the outside. और फिर जब परमेश्वर के हम और करीब आते जाते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखता हूँ लेकिन मैं भीतरी हृदय को देखता हूँ. So we also more concerned about our inner life. और फिर ऐसे करने से हम भी हमारे भीतरी मनुष्य
मनुष्यत्व को लेकर हमारा ख्याल बढ़ जाता है अबाउट हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी live life, how we think about different things. और हमारा व्यवहार कैसा है हम जीवन को लेकर हमारा क्या मंशा है और किस तरह से हमारा जीवन को व्यतीत करते हैं So our inner man is renewed day by day. और हमारा जो भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है As we remain faithful in the Lord, our inner man will be renewed day by day. और जैसे ही हम परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ जीते रहते हैं वैसे ही हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है And for that reason, verse 17, our momentary we get lot of light afflictions. और फिर ऐसे करने से उसी अध्याय के 17वें वचन में ऐसा लिखा है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है God sends us different types of problems every day. और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हर एक दिन अभिन्न प्रकार के समस्याओं को क्लेशों को भेजता है Personal problems, work problems, family problems, church problems. और व्यक्तिगत समस्या काम की जगह पे समस्या कलीसिया में या पारिवारिक समस्याओं So that we may get an eternal weight of glory. और ऐसे करने से हमें वो जो अनंत काल का जो महिमा है वो प्राप्त होती है In these problems of life, we have to seek God and say, Lord, I want to do your will. I want to behave as you will. Behave. Give me grace and give me help. और इस समस्या के बीच में रहते हुए हमें ये कहना कि परमेश्वर इस समस्या के बीच में मैं तेरी मर्जी को करना चाहता हूँ तू मुझे अनुग्रह दे कि तू जो चाहता है उसे मैं करूँ How do we grow spiritually in our own life? और हमारे खुद के जीवन में हम आत्मिक उन्नति कैसे प्राप्त करते हैं By reading the Bible. क्या पवित्र शास्त्र को पढ़ने से Coming to the meetings. कलीसिया में मीटिंग्स के लिए आने से. Yeah, listening to a lot of tapes. बहुत सारे टेप्स को सुनने से. Or going to the email and the Facebook and going through all the reading all those things. और या फिर से ईमेल में या फेसबुक पे जो सारे आर्टिकल्स हैं उसे पढ़ने से. Or by teaching Sunday school and or sharing the meetings. और संडे क्लास में सिखाने से या मीटिंग में शेयर करने से. This is a very very small portion. ये तो एक बहुत ही छोटा सा भाग है. Most important thing when we grow is through the problems and the frustrations in life that come across our way. और सबसे मुख्य बात ये है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं उन्नति प्राप्त करते हैं वो ऐसे मौकों में होता है जहाँ पर हम समस्याओं से गुजरते हैं Then we go to God, oh Lord, please help me. I don't know what to do in this situation. और फिर हम परमेश्वर के पास कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे मदद कर क्योंकि मैं नहीं जानता कि समस्या में मैं क्या करूं। And failing and failing. और मैं हमेशा नाकाम होता हूँ Please give me your help, your grace. और मुझे मदद कर तेरी अनुग्रह मुझे दे। And God gives us grace. और फिर परमेश्वर हमें वहाँ पर अनुग्रह देता है। And then we get strength in that bad time. और फिर उस समस्या को झेलने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देता and है। And all the times that we were so anxious about these things, now there is peace in my life. और बीते हुए दिनों में जब ऐसी समस्या मेरे जीवन में आता था, तब मैं बहुत उतावला हो जाता था, लेकिन अब जो है परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बहुत ही शांत मन रखता हूँ। All the time when I should get angry, the smallest kind of thing, God gives me grace to have self-control. और बीते हुए दिनों में छोटी छोटी सी बातों को लेकर मुझे गुस्सा आ जाता था लेकिन अब जो है परमेश्वर के अनुग्रह से उस बातों में भी शांत मन रखने के लिए jealousy and envy. और अब कोई जलन नहीं है कोई डांग नहीं है and the way I talk will be different. और अब मेरे बात करने के तौर तरीके अलग हो जाते हैं But we have to go through difficulties and trials. लेकिन जरूरी है कि हम सारी पीड़ाओं से क्लेशों से और दुखों से हम गुजरे and for that, when we go through trials and difficulties, people sit on our heads. और जब हम उस दुखों से और समस्याओं से गुजरते हैं तो कई बार लोग हमारे सिर पर बैठते हैं I said, I'll be the Lord, I don't like these people to sit on my head. और फिर कई बार मैं परमेश्वर से कहता कि मैं नहीं चाहूँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये लोग मेरे सिर पर बैठते हैं I will earlier we should give the back foot properly. और बीते हुए दिनों में जब ऐसा कभी होता तो मैं उनको पलट कर जवाब दे देता था Somebody said, if you tell me one thing, I will tell you three things. और किसी ने कहा कि यदि तुम मुझे एक बात कहेगा तो मैं जो पलट कर तीन बात कहूंगा I know how to set you right properly. और मैं जानता हूं तुम्हें कैसे ठिकाना लगाना है When somebody tells us one or two things, we just keep quiet. लेकिन जब कभी किसी कोई भी हमें दो बातें कहते तो हमें सीखना है कि हमें कैसे वहां पे चुप रहना है We know how to control our tongues. हम जानते हैं कि कैसे हमारे जुबान को काबू में रखना है Holy Spirit, now you just keep quiet. और पवित्र आत्मा हम तुमसे कहेगा कि अब तुम बिल्कुल शांत और चुप रहो Your tongue which was so active, now let your tongue be sit inside your mouth and you die with it. और तुम्हारा जुबान से तुम कितनी लड़ाते थे अब जो है तुम्हारा जुबान बिल्कुल तुम्हारे मुंह के अंदर मरने दो All those who talk bad about you, I will take care of them. और जो सारे लोग तुम्हारे बारे में बुराइयां बोलते हैं कहते हैं उनका मैं देख लूंगा God takes wonderful care of them. और फिर परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से उन्हें वो संभालता है He takes care of all our problems in life. और हमारी सारी समस्याओं को परमेश्वर वो सही रीति से वो संभालता है Only thing we God wants us to die to our own wills. लेकिन सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो है हमारी खुद की मर्जी के लिए मर जाएं Then he can undertake for us. और ऐसे करने से परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को करता है He can help us, he can lead our lives. और फिर वो हमारी मदद करता है हमारी अगुवाई कर सकता है You know what I mean, undertake. और हमारे लिए उस बात को संभालना उसका मतलब क्या जानते हैं? You know how to be an undertaker?
undertakers are the ones who carry dead bodies. और वो जो संभालने वाले देख रहे को जो undertake bird है उसको वो जो ऐसे लोग होते हैं जो मृत शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। When you call for the hearse, well, this person, my relative has died. Come and please put him in the coffin. और हम फिर जब कोई मर जाते हैं तो हम किसी को undertaker को call करके कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति मर गया है, उसे coffin में डाल कर ले जाना है। Now he brings the coffin to the house and he finds the person is still moving his hand like this, then he will say, no, no, I will not touch him. और फिर यदि वो undertaker घर में आके देखता है कि वो मृत शरीर जिसे मृत कहा गया है, फिर भी उसका हाथ पर हिलता है तो कहता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, ये तो मरा नहीं है। I will not put him in the coffin. और ऐसा कहने से हमारे लिए सारी बातें भलाई की होती है।